हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द रिवाइंड जैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखने जा रहे हैं आपकी राशि के अनुसार ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, अक्टूबर का मंथ साल 2023। ठीक है, इस रीडिंग को आप किस बेसिस पे देखने चाहिए, आपको किस बेसिस पे देखना चाहिए, आपको मून साइन के अकॉर्डिंग, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या नाम के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा रूल सेट नहीं है कि आप मून साइन के हिसाब से ही देखें, सन साइन के हिसाब से ही देखें, जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। आपकी जो मर्जी, जो राशि आपको लगता है कि आपके लिए कनेक्ट करती है, आप उस राशि के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, और यस, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, मैं थी था बोलूंगी, आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रही हूँ, लड़का या लड़की। इसमें आपको जो है सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, बाकी रीडिंग जो है आप ही के लिए है। ठीक है, इसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे, करियर, फाइनेंस, लव, एवरीथिंग। जो लव के लिए अलग रीडिंग एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए मैं वीकली रीडिंग्स डालती रहती हूँ, वीकली रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हो आप लोगों के लिए, अलग से मैं डालती रहती हूँ, और ये है मंथली रीडिंग। ठीक है, और इसके अलावा यस, अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई अन्य जानकारी चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऊपर आप डिटेल्स में देख सकते हो कि आपके लिए स्क्रीन पे भी सब डिटेल्स मेंशन है, और नीचे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब मेंशन है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ये हमारा इंट्रो हो गया, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक राशि जो है मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, सो अब बारी है स्कॉर्पियो यानी कि हमारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए देखेंगे अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। अक्टूबर का मंथ वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्स, World, Tower, Death and Emperor. Okay. So, वृश्चिक राशि वालों, आप लोगों के लिए अगर मैं मनी या फाइनेंसिस के हिसाब से देखूं तो समय बहुत अच्छा है। अक्टूबर का महीना आप बहुत प्रैक्टिकल नजर आएंगे, बहुत ही स्ट्रांग पोजिशन पे, बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी जहां पर आप बहुत क्रिएटिव नजर आएंगे, बहुत सोच विचार आपके स्ट्रांग, और एकदम ऐसी जहां पर आप एक स्ट्रांग बिजनेसमैन की या बिजनेस वुमन की तरह सोचते नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी बड़े पद में है तो और ज्यादा लोग जो है आपकी बात सुनेंगे, और ज्यादा आप जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। बिजनेस में हो या जॉब में अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, समय अच्छा है और ग्रोथ भी है कहीं ना कहीं। फाइनेंसेस आते हुए नजर आ रहे हैं, पैसों की ग्रोथ हो रही है आपकी, फाइनेंसेस बहुत अच्छे खासे होंगे, हैप्पी भी होंगे, सेटिस्फैक्शन भी होगा। यहाँ पर फाइनेंशियल लेवल पे आप ग्रो करते नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में भी ग्रोथ नजर आएगी। अपॉर्चुनिटीज खुद सामने से, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको मिल रही है, ऑफर्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अगर जॉब वगैरह के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो समय अच्छा है। अचानक धन लाभ भी हो सकता है, कोई से फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है ये टाइम फ्रेम पे। अगर मैं आप लोगों के लिए बोलूं, भाई बहनों के साथ थोड़े से मतभेद देखे जा सकते हैं, और आपका थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर देखा जा सकता है। भाई बहनों से आप थोड़ा कम बात करेंगे, या उनसे दूरी बनाएंगे, या अगर वो आएंगे भी तो मतलब थोड़ा बहुत स्माइल वाइल आप करेंगे उनके सामने, अदरवाइज आप उनको थोड़ा सा इग्नोर ही करना पसंद करेंगे। भाई बहनों को थोड़ा सा कम टाइम देना पसंद करेंगे। माता के साथ बहुत अच्छे मतलब रहेंगे, माता के साथ अपनी मदर को बहुत ध्यान देंगे, अपनी माता जी को बहुत वैल्यू करेंगे, या उनको बहुत ज्यादा दिल से लाइक कुछ गिफ्ट्स या उनके लिए बहुत एक्सपेंसेस करते नजर आएंगे। घर परिवार में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, घर परिवार में ऐसा दिख रहा है कि माहौल ठीक भी रहेगा, अगर सब कुछ बेटर भी रहेगा तब भी आप अजीब सा अकेलापन महसूस करेंगे। घर में होकर भी समझो चार दीवारियों के बीच में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भीड़ में भी एक अजीब सा खालीपन और अकेलापन आप महसूस करेंगे, और अपने आप को बिना वजह बहुत अकेला महसूस करेंगे। आपको लगेगा आपके जीवन में हंसने की कोई वजह या आपको कोई लाइक जीने का कोई मोटिव अब नहीं मिल रहा है। आपकी जिंदगी में आपको एक अजीब सा खालीपन और अकेलापन महसूस होगा, जैसे कि जिंदगी से रोशनी चली गई, और लाइक कोई और होता तो शायद लाइफ बेटर हो जाती। आप हो सकता है किसी को बहुत मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, पर एक अजीब सा खालीपन और एक अजीब सा अकेलापन आपके अंदर देखा जा रहा है। घर परिवार में सबके बीच होकर भी आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं मुझे व्यवहार और आपके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। जो आप अगर अपने रिलेशनशिप में हैं, पार्टनर के साथ उठते बैठते हैं, साथ में हैं, तो उनके साथ भी रिश्ते आपके बेहतर नहीं दिखाई दे रहे। आपको किसी तरीके का अकेलापन महसूस होगा, पार्टनर या तो आपसे कम बात कर रहा है या आप पार्टनर से कम बात कर रहे हैं। एक अजीब से लोनलीनेस को आप पार्टनर के होते हुए, यानी कि जो लोग शादीशुदा हैं उनकी बात कर रहे हैं, साथ रहते हैं,
पार्टनर के होते हुए भी किसी तरीके की दूरी का एहसास होगा, ऐसा लगेगा वो होकर भी किसी तरीके से आपके लिए नहीं है। खालीपन, अकेलापन, अजीब सी सोच विचार रह सकता है, सेपरेशन की जैसे फील होगा, आपको सब कुछ बदला बदला महसूस होगा। घर पे रहना वैसे भी आप प्रेफर नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है, घर पे ज्यादा रहना पसंद नहीं करेंगे, और अगर रहेंगे भी तो एक अजीब से खालीपन को महसूस करेंगे। सेविंग्स के मामले में मुझे थोड़ा सा आपका जो समय है थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है, ये महीने आप सेविंग नहीं कर रहे हो, सेविंग्स नहीं हो रही है आपकी, या तो सेविंग्स हो रही है तो कहीं ना कहीं खर्चे हो जा रहे हैं। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ के लिए मामले में अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, माइग्रेन, सर दर्द, या किसी तरीके के बाल झड़ने, ये सब की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है इस महीने। इस महीने मूड स्विंग सबसे ज्यादा होंगे, मूड स्विंग आने के कभी कुछ कभी कुछ, अचानक से मूड खराब हो गया, अचानक से गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन आपके अंदर देखा जाएगा इस महीने। बिना वजह चिड़चिड़े होंगे, बिना वजह गुस्सा कर देंगे, बिना वजह किसी को भी उल्टा सीधा सुना देंगे, थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि मतलब, और ऊपर से यहाँ पर अगर किसी एम्प्लॉय ने या किसी कलीग ने गलती कर दी, या समझ लो आप एक टीचर हो जिसने स्टूडेंट ने एक और बार सवाल पूछ लिया कि मैम इसकी आप मुझे मीनिंग बता दे, तो आप तो सामने वाले की बैंड बजा देंगे कि इधर आ, तूने फर्स्ट टाइम ध्यान क्यों नहीं दिया, इधर आ, इधर आ, तू जरा इधर आ, तो कोपचे में लेती हूँ, तो ये वाली एनर्जी है जहाँ पर आप एकदम से भड़क जाएंगे उनके ऊपर। अथॉरिटेटिव बॉसी एनर्जी है, अपने कंट्रोल में सब चीजें रखने की कोशिश करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बच्चों को लेकर संतुष्ट रहेंगे, बच्चों को लेकर आप ज्यादा टेंशन नहीं है, बच्चों के फ्यूचर के लिए डेफिनेटली कोई प्लानिंग प्लॉटिंग आपके दिमाग में रहेगी, पर इस वक्त ज्यादा चिंतित नहीं है बच्चों को लेकर। हाँ, आपकी हेल्थ थोड़ी सी डगमगा सकती है, हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। इमोशनल आपके ऊपर कोई सोच विचार हावी हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको जो है अपना मन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की तरफ, मेडिटेशन, योगा की तरफ डालना चाहिए, उससे आपकी हेल्थ बेटर हो सकती है। इमोशनली आपका बेटर होना जरूरी है। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए एक और चीजें मैं बता देती हूँ, स्कॉर्पियो राशि वालों, जो लोग आप मैरिड हो उन लोगों के लिए सेपरेशन की स्थिति बन रही है, या तो आप अपने पार्टनर के साथ डिफरेंसेस फील करेंगे या कोई सेपरेशन की बात बन सकती है, कोई इशू आ रहा है। जहां पर मैं बात करूं आप लोगों के लिए आपकी नो कॉन्टैक्ट या ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट स्थिति के लिए, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है रिलेशनशिप में, या सेपरेशन फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि स्थिति जो है खत्म हो सकती है, एंडिंग हो सकती है, लाइक रिलेशनशिप एंड हो सकता है आपका कंप्लीटली, और एंडिंग होने का कारण आप ही होंगे, आप ही अपने पार्टनर को थोड़ा अवॉइड इग्नोर करते नजर आएंगे, आपकी ही ईगो इतनी हाई रहेगी जहां पर आप अपने पार्टनर को ध्यान देना पसंद नहीं करेंगे। फ्रेश स्टार्ट की इच्छा आपके मन में बहुत होगी, बट उस फ्रेश स्टार्ट को आप फ्रेश स्टार्ट देना नहीं चाहेंगे, आपकी तरफ से आप सब एंड करते नजर आ रहे हैं, कोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप एक साथ दो रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, दो रिलेशनशिप्स में हैं, कोई कोई होता है दो रिलेशनशिप में, देयर आर चांसेस कि आपके घर परिवार में से या आपके इस जो दूसरा रिलेशन है, मतलब दोनों में से कोई भी एक रिलेशनशिप आपका डगमगा सकता है, दोनों के दोनों नहीं डगमगाएंगे पर दोनों में से कोई एक रिश्ता आपका खराब होगा इस महीने। इस महीने जहां तक मैं देख रही हूँ फाइनेंसेस और पैसों पे आपका ज्यादा फोकस होगा, इमोशनली खुद को लो फील करेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, खुद को बदलने का कोशिश करेंगे, खुद की तरफ से ऐसे दिखाएंगे जैसे कि सब नॉर्मल है, बट अंदर ही अंदर खुद को परेशान करेंगे, खुद को एग्जॉस्ट करेंगे। आपके अंदर चेंज और परिवर्तन देखने को मिलेंगे, आप बहुत चेंज होंगे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विदेश यात्रा संभव है। जो लोग नेम फेम सक्सेस चाहते हैं उन लोगों के लिए ये महीना कुछ खास अच्छा नहीं है, नेम फेम सक्सेस मुझे नहीं दिख रही है, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है। घर वगैरह लेना चाहते हो तो यार उसमें भी थोड़ी सी डिले आते दिखाई दे रहे हैं इस महीने, डिले हो जाएंगे किसी तरीके से, घर वगैरह नहीं खरीद पाएंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स या सोशल लाइफ की, तो सोशल लाइफ में तो आप बिल्कुल जीरो पोजिशन पे हैं, आप देख ही नहीं रहे, ना दोस्तों को टाइम देना चाहते हैं, ना आपके दोस्त वगैरह, लाइक ऐसा लग रहा है कि ज्यादा दोस्त वगैरह नहीं, आप अपने आप में ही ज्यादा रहना प्रेफर कर रहे हैं, दोस्तों पे आप फोकस नहीं है। इस समय आप एक ऐसी पोजीशन पे है जहां पर आप महसूस करेंगे कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको आप ही को कंट्रोल करना है, सबको आप ही को बैलेंस करना है, यानी कि आप इतने प्रैक्टिकल और इतने ज्यादा ऐसे हो रहे हैं कि मुझे सब जगह संभालना है, और इतने स्ट्रिक्ट टीचर बन रहे हैं कि आप देख ही नहीं रहे कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं। सबको बैलेंस करने में ऐसे हैं कि आप खुद को खुद ही पीछे छोड़ रहे हैं, आपको अपनी ही एनर्जीज पे एहसास नहीं हो रहा कि आपको इस वक्त प्यार की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है, आप इमोशंस पे फोकस ही नहीं करना चाह रहे, आपको ध्यान ही नहीं दे रहे। आपके लविंग पार्टनर के साथ भी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो रहे पार्टनर के साथ, जिसके वजह से आपके पार्टनर के साथ भी रिश्ते एंड हो रहे हैं। देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को एंड करके आगे बढ़ेंगे और आप भी ये एंडिंग स्वीकार करेंगे।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर बनेगी तो आप ही की तरफ से ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है इस महीने, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में आपका ऐसा हो जाएगा कि ठीक है बहुत हो गया, बहुत वेट कर लिया, बहुत ध्यान दे लिया, बहुत वैल्यू कर ली, बस अब इट्स अ टाइम कि मुझे अब आगे अपने बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इस परिवर्तन से, इस चेंजेस से या इस एंडिंग से आप खुश नहीं है, आप प्रयास भी नहीं करना चाहते, वो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग सिंगल शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं उन लोगों के लिए इस महीने मैं कहूंगी कि अच्छे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, थोड़ा इंतजार करें, थोड़े टाइम बाद अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग घर परिवार में कहीं बात करना चाहते थे शादी के रिलेटेड, उन्हें भी थोड़ा रुक जाना चाहिए, इंतजार करके बाद में आप करें, अक्टूबर का महीना सही नहीं है। हाँ, बाहर जाना चाहते हैं लाइक विदेश वगैरह तो प्लानिंग होगी इस महीने, आप इस महीने जाएंगे नहीं बाहर, लेकिन इस महीने प्लानिंग जरूर होगी, आप प्लानिंग जरूर करते नजर आएंगे। स्ट्रैटेजी जैसे लाइक डॉक्यूमेंटेशन, वीजा, पीआर, उसके रिलेटेड लाइक काम करते नजर आएंगे। सफलता जो है वो आने वाले समय में मिल सकती है, लेकिन अभी मतलब इन द सेंस आप जो जाएंगे वो बाहर, उसमें अभी थोड़ा डीले है, लेकिन इस महीने आप प्लानिंग जरूर करेंगे। इस महीने आपको जो मैं देख पा रही हूँ प्रैक्टिकलिटी पे इतना फोकस, जिसके वजह से इमोशन में नहीं, थोड़ा सा इमोशनली लाइक बोलते ना प्यार भी लाए अपने अंदर, रोमांस भी लाए थोड़ा सा। आप ऐसे हो जा रहे हैं कि एकदम स्ट्रिक्ट टीचर, जिसके वजह से जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो अपना प्यार भी नहीं जता पा रहे हैं, आपको प्यार भी नहीं दिखा पा रहे, सब आपसे डर रहे हैं, सब आपसे लाइक बोलते ना कि डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं कि यार ऐसे मूड का भरोसा नहीं, हाइपर हो गया तो रिएक्ट किया तो ऐसी दिक्कत दिखाई दे रही है, सब आपसे लाइक डिस्टेंस को लेकर डरते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय थोड़ा सा आप में परिवर्तन तो आ रहा है, पर थोड़े और चेंजेस लाएं इमोशनली खुद में तो बेटर रहेगा। बाकी अगर आपको कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटी का इंतजार था तो इस महीने आपको एक अच्छा ऑफर या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए एंडिंग है। सेपरेशन वालों के लिए सेपरेशन का लाइक दिख रहा है कि सेपरेशन का बात होगा, आप ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लाइक आप एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है चलो एक्सेप्टेशन तो सेपरेशन से इट्स राइट, ठीक है मैं अपनी जिंदगी में अपने आप पे फोकस करूं या करूंगी, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है, आप आगे बढ़ेंगे अभी लाइफ में। सो ये थी आप लोगों के लिए आपकी रीडिंग। एडवाइस के तौर पे मैं आप लोगों को क्या कहूंगी, मैं कहूंगी आप लोगों को जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन सुनना चाहिए, हार्ट चक्रा को हील करने की कोशिश करने की जरूरत है। आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, आप रोमांस नहीं इसलिए सोच पा रहे हो, लव नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह से हीलिंग के लिए रेकी हीलिंग वगैरह प्रैक्टिस करो। और हो सके तो मैं कहूंगी आप लोगों को शुक्र के मंत्र, जो शुक्र का मंत्र होता है ना, ओम शुक्राय नमः जो है, उसका चांटिंग कर सकते हो आप, ये चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, शुक्र का मंत्र आपको मिल जाएगा अगर हिंदू धर्म के हो तो। अदरवाइज तो मैं आपको कहूंगी जितना हो सके आप गोल्ड वेयर कर सकते हो तो गोल्ड वेयर करो, या आप चांदी वेयर करो, चांदी भी अच्छा है आपके लिए इस महीने, तो चांदी ज्यादा अच्छा है अगर गोल्ड के कंपेयर में कहूंगी तो चांदी ज्यादा अच्छा है इस महीने। आपको फर्स्ट फिंगर में डेफिनेटली चांदी की रिंग पहननी चाहिए, आपके लिए और बात और फायदा होगा। बट अगर आपके पास गोल्ड है और इन फिंगर्स में है तो फर्स्ट फिंगर में पहन लो उसको, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर में पहन लो, आपके लिए ग्रो करेगा वो, ग्रोथ लाएगा, ठीक है। और हो सके तो सूर्य को जल चढ़ाओ और आपके लिए बेहतर और रिजल्ट बनेंगे, प्रमोशन वगैरह और फास्ट होगी और ग्रोथ आएगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो वीडियो की स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।